वालेकुम स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर एडीएस और बीएस फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बॉटनी ए से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स आप डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इसके अंदर आपने देखना है कि बैक्टीरिया का राइजोस्फीयर के अंदर क्या रोल है, बैक्टीरिया नोडुलेशन में कैसे हेल्प करता है और बैक्टीरिया नाइट्रोजन साइकिल में कैसे अपना रोल प्ले कर रहा है। इसके साथ साथ आप इसमें देखेंगे कि बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन कैसे करता है और न्यूट्रिएंट रीसाइक्लिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राइजोस्फीयर क्या है और बैक्टीरिया का इसमें इम्पॉर्टेंट रोल क्या है। सो स्टूडेंट्स, राइजोस्फीयर वो जगह है, वो रीजन है जहाँ पे रूट सॉइल के साथ अटैच होती है, मतलब रूट और सॉइल की अटैचमेंट को आप राइजोस्फीयर कहते हैं। यहाँ पे इस रीजन में ये एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम है जहाँ पे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है उसके मुकाबले में जहाँ पे अकेली सॉइल होगी, जहाँ पे कोई प्लांट ग्रो नहीं कर रहे होंगे उसके मुकाबले में यहाँ पे बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। बैक्टीरिया एक्चुअली यहाँ पे कर क्या रहे होते हैं, बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके रिजल्ट्स में प्लांट्स बैक्टीरिया की ग्रोथ को इन्हांस कर रहा होता है। कैसे, वो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करता है, प्लांट टिश्यू न्यूट्रिएंट को रिलीज़ कर रहे होते हैं, किस फॉर्म में, अमाइनो एसिड की फॉर्म में और विटामिन की फॉर्म में, जिसकी वजह से एक बैक्टीरिया जो है वो अपनी नरिशमेंट कर रहा होता है, अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहा होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स के राइजोस्फीयर, यहाँ पे ये प्लांट रीजन है, इसका ये रूट सिस्टम, नीचे ये सॉइल, सॉइल और रूट सिस्टम के साथ अटैचमेंट, इसे आप कहते हैं राइजोस्फीयर। प्लांट की एक्टिविटी क्या हो रही है, प्लांट अपनी ग्रोथ बढ़ा रहा है, अपने न्यूट्रिएंट्स को अपटेक कर रहा है और ये बैक्टीरिया यहाँ पे क्या करते हैं, बैक्टीरिया फिक्सेशन का काम करते हैं, मिनरलाइजेशन करते हैं और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस भी कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये वाला मटेरियल आप देख सकते हैं कि ये प्लांट की रूट के साथ क्लस्टर ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे मौजूद है, इसे आप नाम देते हैं राइजोस्फीयर। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है जी रोल ऑफ बैक्टीरिया इन नोड्यूलेशन। अब ये नोड्यूल क्या है, नोड्यूलेशन क्या है, नोड्यूल्स आर द स्वेलिंग्स इन द रूट्स। रूट्स के अंदर कुछ उभरी हुई जगह होती हैं, कुछ स्वेलिंग पोर्शन होता है जिसे आप क्या नाम देते हैं, रूट नोड्यूल्स कहते हैं या नोड्यूलेशन कहते हैं। यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ज़्यादातर नोड्यूल्स बनते कहाँ पे हैं, लिग्मिनेसी फैमिली, जो फलीदार पौधे होते हैं वहाँ की, वह उनकी जो रूट्स होती हैं उनके साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। एज कंपेयर उसके रिजल्ट्स में अब प्लांट्स बैक्टीरिया को कार्बोहाइड्रेट्स दे रहा है और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे रहा होता है। ये इसका साइकिल है जी, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, नाइट्रोजन की एक नाइट्रिफिकेशन हुई, फिर नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हुआ, प्लांट्स ने अपटेक किया, प्लांट्स ने फिर एज ए रिजल्ट बैक्टीरिया को कुछ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक चीज़ें दी जिससे प्लांट की भी ग्रोथ होती है और बैक्टीरिया की भी ग्रोथ हो रही होती है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर है कि रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल स्टूडेंट्स आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नाइट्रोजन एक मिनरल एलिमेंट है जो प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, क्रॉप यील्ड के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन
प्लांट्स इसे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता, प्लांट्स इसे हमेशा नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स की फॉर्म में लेगा, और इस प्रोसेस को आप नाम देते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। प्लांट्स को ये नाइट्रोजन क्यों ज़रूरी होती है? ताकि वो प्रोटीन बना सके, ताकि न्यूक्लिक एसिड बना सके, ताकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना सके। तो इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। ये रूट्स के साथ एक एसोसिएशन बना लेते हैं जहाँ पे वो एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दो तरह के हैं, नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं होता, इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, जहाँ चाहे वो रह लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो बैक्टीरियल की रूट के साथ राइजोमियम या नोडुलेशन बना के रहें, सिम्बायोटिक रिलेशन बना के रहें, ऐसा नहीं होता। तो इसकी एग्जाम्पल्स क्लास्ट्रोडियम है, एस्ट्रोबैक्टर है। ओके स्टूडेंट, सेकेंड इसके अंदर आ जाता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट्स की रूट्स के साथ रहते हैं, जैसे कि नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूम्स, राइजोमियम बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्योंकि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रखते हैं। ये एक नाइट्रोजन साइकिल जो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, इंडस्ट्रियल से कुछ चीज़ें गई हवा के अंदर, हवा में नाइट्रोजन 78% है, वो डायरेक्ट प्लांट यूज़ नहीं कर सकते, तो वो कहाँ पे आएगी? सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के पास आएगी। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसको नाइट्राइट्स में नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे, देन वहाँ से नाइट्रोजन को जो कंपाउंड है वो प्लांट उसे यूटिलाइज कर लेता है। फिर वो फूड बना देगा, फूड फिर एनिमल्स का पार्ट बनेगी, फिर वो डिकम्पोज होगी, डिकम्पोज होके फिर वो ज़मीन पे आएगी, प्लस को बैक्टीरिया वगैरह डिकम्पोज करेंगे, देन अगेन वो प्लांट्स का हिस्सा बन जाते हैं। इस तरह ये एक साइकिल साइक्लिक फॉर्म में मूव करता रहता है। फोर्थ पॉइंट है जी, रोल ऑफ बैक्टीरिया इन डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि बैक्टीरिया अपनी जो फीड है वो किसी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से हासिल करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस, उसके ऊपर ये स्टे करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में तब्दील करते हैं, अपनी खुराक ले लेते हैं, और उसमें कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं वो ज़मीन में सॉइल के अंदर शामिल हो जाती हैं। अब बैक्टीरिया का ह्यूमस को डिकम्पोज करने का जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं ह्यूमिनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस हो रहा है। इसी तरह जब वो ह्यूमिनिफिकेशन होगी तो उससे बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसे आप नाम देते हैं न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। तो स्टूडेंट, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बैक्टीरिया ने डिकम्पोजिशन की, वेस्ट मटेरियल की, उस वेस्ट मटेरियल से यूज़फुल चीज़ें गई, जू प्लांकटॉन और फाइटो प्लांकटॉन जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन्होंने वो इस्तेमाल कर ली। फिर इस्तेमाल करने के बाद दोबारा वो ज़मीन पे आई, फिर बैक्टीरिया ने डिकम्पोज की, फिर अगेन ये साइकिल मूव करता रहता है। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स थैंक यू। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप विदाउट हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।